विच इज चियानाज लाइफ स्टाइल। और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा फेवरेट एंड अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट, जहाँ से मैंने अपने मेकअप की शुरुआत की है बेसिकली। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में हम लोग नहीं जानते हैं कि कैसे कंप्लीट मेकअप किया जाए, राइट? तो उसके लिए क्या है कि आप लोग कोशिश किया करें कि कुछ बहुत अफोर्डेबल ही मेकअप प्रोडक्ट लें, क्योंकि एट द स्टार्टिंग जब आप सीख के बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे तो आप अगर महंगा भी लें तो दैट विल वर्थ इट। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड या वन मोर थिंग, ऑलवेज सैनिटाइज योर हैंड बिफोर यू आर गोइंग टू स्टार्ट एनीथिंग। सो दिस इज माय सैनिटाइजर। ऐसे क्या था कि मार्केट में सैनिटाइजर्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, आप भी कर सकते हो घर पे। तो इसमें कुछ मिनरल वाटर है एंड उसके साथ एक से दो, मतलब जो भी एक दो तीन ड्रॉप्स हैं वो डिटॉल के आप इसको डालो एंड जस्ट शेक इट वेल एंड देन यू आर गुड टू गो। तो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा वो होता है मॉइस्चराइजर ऑफ फेस। सो फॉर मॉइस्चराइजर आई एम गोइंग टू शो यू, या दिस इज माय फेवरेट। आई नो ये कोल्ड क्रीम है नॉर्मल सा, विच इज़ इमामी मलाई केसर। तो बेसिकली क्या है ना कि मुझे मेरी जो स्किन है वो ऑलरेडी कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है और लाइक ऑयली भी नहीं है। तो मैं हल्का सा भी इसका पिंच लेती हूँ ना तो मेरा फेस एकदम वेल सेटल्ड हो जाता है। तो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं स्टार्टिंग से यूज़ करती आ रही हूँ। इनफैक्ट अगर आप कहोगे मेरा फर्स्ट कोल्ड क्रीम कौन सा था तो यही है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी यूज़ करिए, सच अ गुड थिंग यार, लिटरली दिस इज़ गुड। ओके, तो फर्स्ट प्रोडक्ट मेरा ये हो गया। और इसके साथ अगर आप चाहते हैं कोई कि बहुत ही वेल नोन सा ब्रांड और कुछ यूज़ कर सकते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो गुड, लाइक माई पीच मिल्क। या तो आई थिंक आपको पता नहीं मेरा कैमरा ले रहा है या नहीं ले रहा है। सो ये आई थिंक ज़्यादातर गर्ल्स यूज़ कर रही होंगी आज के डेट में, क्योंकि ये एक वेरी अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो सेकंड प्रोडक्ट ये है जो आप एक ट्राई कर सकते हैं। थर्ड थिंग ऑफ कोर्स एक इसके बाद में जो आफ्टर मॉइस्चराइजिंग द नेक्स्ट स्टेप इज प्राइमर, राइट? तो उस प्राइमर के लिए आई हैव टू ऑप्शंस फॉर यू। वन रिसेंटली आई स्टार्टेड यूजिंग विच इज NY मेकअप प्राइमर। बिलीव मी, मैं इससे पहले जो यूज़ कर रही थी और दैट इज़ कलर बार का प्राइमर, विच इज सेज कलर बार परफेक्ट मैच प्राइमर। ओके, और ये NYB का प्राइमर है। तो ऑफकोर्स कंपेयर नहीं है दोनों में, लेकिन अगर आप ये यूज़ करते हैं स्टार्टिंग के लिए तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ये भी एक अलग सा स्मूथनेस देता है आपके चेहरे पर जब आप इसे अप्लाई करते हो, एंड यू सडनली फील कि हाँ हमारे फेस पे एक बहुत स्मूथ सा लेयर है। तो ट्राई इट, रियली गुड, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार इसको MR पे बता देती हूँ। 225 का ये था, लेकिन मुझे उस टाइम लेस पे मिला था, पर्पल पे कुछ सेल चल रहा था तो आई ऑर्डर्ड दिस। तो आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। दूसरा कलर बार, एवरी गर्ल्स मस्ट बी यूजिंग दिस और सबको पता होगा ये कैसा प्रोडक्ट है, क्या है। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो इसके लिए तो मैं ज़्यादा तारीफ ही नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि आप सब जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो आप लोग ये भी एक यूज़ दे सकते हो प्राइमर के लिए, स्पेशली अगर आप लोग कहीं शादी पार्टी में जा रहे हो या फिर कॉलेज फंक्शन या एनी थिंग लाइक फंक्शन टाइप में, तो भी आप इसे कोशिश कर सकते हो कि आप यूज़ करें एंड डेली यूज़ में NYB का यूज़ करें। ओके, तो सही ऑप्शन है। सो नेक्स्ट अप इज फाउंडेशन। ठीक है, तो फाउंडेशन के लिए क्विकली मैं आपको दो ऑप्शन दिखा रही हूँ। ये मेरी शेड का नहीं है बट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरी शेड का नहीं एक्चुअली। फर्स्ट तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन। इट्स डैम गुड, लाइक बिलीव मी गाइस, इट्स रियली रियली गुड। सो बेसिकली ये बहुत ही अच्छा है एंड आई एम इन द शेड ऑफ डेजर्ट बेज। ओके, तो बेसिकली क्या है कि इस फाउंडेशन की एक बहुत ही अच्छी खासियत है वो ये कि अगर आप थोड़ा भी यूज़ करते हो ना और लाइक ब्लेंड करते हो, लाइक हु इज़ हैविंग माई टफ स्किन, ठीक है, तो बेसिकली क्या, अगर आप थोड़ा भी यूज़ करते हो इसको तो इट विल गिव यू अ लाइक नेचुरल फिनिश और बहुत अच्छा सा लगता है, एकदम फेस ऐसा लगता है कि ग्लो करके है, उठ गया है।
तो वो बहुत बेटर है, तो आप लोग इसे ट्राई दे सकते हो. ओके, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज ऑफकोर्स एवरीबडी नोज मेबेलिन फिट मी, राइट. तो ये भी एक अच्छा फाउंडेशन है जिसे आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है. बट इसका मुझे नहीं पता क्यों, बट मुझे थोड़ा सा ये ड्राई पैचेस दे जाता है जब मैं इसे यूज़ करती हूँ, तो मैं इसे थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ. एंड प्लस ये मेरे शेड का भी नहीं है, तो मैं समटाइम ये करती हूँ कि मैं इसके साथ इन दोनों को मिक्स करके एंड देन अपना एक परफेक्ट शेड तैयार करती हूँ और मैं उसे यूज़ करती हूँ. तो आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन देख सकते हैं. इसका जो प्राइस है वो है 500, लेकिन आप नायका पे कभी कुछ ऑप्शन ऑर्डर करिए, आपको बहुत सही रिजनेबल मिल जाएगा, ठीक है. एंड इसका भी अप्रॉक्सीमेटली वही है 500-600, इट्स 599. ओके, अगेन ये मुझे ऑफ पर मिला था एंड बहुत रिजनेबल मिला था, आई थिंक 400 समथिंग का पड़ा था मुझे उस टाइम पे. तो कोशिश करा करिए कि जब भी सेल चल रहे हो तो उस टाइम पे आप उसे यूज़ करने की पूरी कोशिश किया करो, बहुत बेटर होता है. तो जिसका नाम है निक्स का SD स्टूडियो फोटो जाने, तो आप ये इसका एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया है कि आप हल्का सा भी यहाँ लगाओ तो ग्लो भी देता है, लाइक आई के अंदर वो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा ग्लो देता है. तो दिस इज़ व्हेन यू कैन यूटिलाइज. उसके बाद हमें फेस को सेट करने के लिए चाहिए होता है सेटिंग पाउडर, राइट. अर्लियर आई वाज यूजिंग, अभी मेरे पास वो खत्म हो गया, वरना मैं आपको जरूर दिखा दी, मेबेलिन का अगेन फिट मी लूज पाउडर. ऑसम वन गाइस, लिटरली ऑसम. और अगर आप बहुत ही अफोर्डेबल में लेके चलना चाहते हैं और रेगुलर यूज के लिए अगर आप कुछ यूज करना चाहते हैं, तो मैं एक बहुत बेस्ट ऑप्शन दूंगी आप लोगों को, लैक्मे का रोज पाउडर, ठीक है. तो ये थोड़ा सा अच्छा है और इसमें सनस्क्रीन भी है, तो सनस्क्रीन भी अगर मिल रहा है तो व्हाट एल्स विल यू गाइस, राइट. तो आप ये यूज़ कर सकते हैं लैक्मे का. इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 150 रुपये था, या इट्स 160, ठीक है. अगेन ये भी आपको ऑफ पर मिल जाएगा, तो दैट इज़ वन. द नेक्स्ट इज आफ्टर यूजिंग लाइक दिस, सम पीपल यूज ब्लश ऑन, सम पीपल ट्राई टू डू फर्स्ट कॉन्टोरिंग एंड आफ्टर दे अप्लाई ब्लश. तो बेसिकली मेरा क्या है कि मैं पहले कॉन्टोरिंग ही करती हूँ एंड कॉन्टोरिंग ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं करती, मैंने अभी जैसे स्टार्ट किया. तो ये है NYB का अगेन स्टिक है ये फाउंडेशन स्टिक, और जो मेरा शेड है वो है आमंड 05. ओके, सो ये बहुत अच्छा है. मैं अपना शेड दिखाती हूँ आपको देखने में. मेरे लिए थोड़ा लाइटर था, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा लाइटर है, लेकिन स्टिल मैं इसे यूटिलाइज कर लेती हूँ एंड ठीक जा रहा है मेरे ऊपर. तो ये है, और एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. कई बार क्या होता है कि आपके आई शेडोज में, आई शेडो पैलेट्स में कोई ना कोई एक दो शेड ऐसे होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. तो इसके लिए क्या है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूज़ करती हूँ वो है मेरा वेट एंड वाइल्ड का पैलेट. उसमें काफ़ी अच्छा एक ब्राउन कलर का शेड दे रखा है, लेट मी शो यू. सो आप देखेंगे मैंने इसे काफ़ी ख़त्म भी कर दिया है. या दिस शेड गाइज, दिस शेड इज परफेक्टली फाइन फॉर माई कॉन्टोरिंग एंड आई यूजली यूज दिस. खत्म भी होने वाला है तो बेसिकली एक ये, और इसको मैंने हाईलाइटर के लिए बहुत यूज़ किया हुआ है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया है हाईलाइटर के लिए, ठीक है. तो ये खाली हो चुका है ऑलमोस्ट, बट ये वाला जो शेड है आप कॉन्टोरिंग के लिए बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है. तो बेसिकली मैं तो बोलूँगी अगर आप कॉन्टोरिंग, अगर आप अभी कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो या फिर थोड़ा सा आपको मेकअप का शौक है, तो यू जस्ट हैव अ लाइक नाइस पैलेट, मेकअप पैलेट, जिसमें आपको सारे ही कलर्स मिल जाएंगे. इनफैक्ट हाइलाइटिंग के लिए भी, कॉन्टोरिंग के लिए भी, और समहाउ ब्लश के लिए भी, ठीक है. तो आपका एक पैलेट खरीदने से तीन चीज़ें तो वैसे सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है. तो मैं बोलूँगी कि आप इस चीज़ को यूज़ करें, ठीक है. तो ये हो गया हमारा आई शेडो प्लस कॉन्टोरिंग के लिए, ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज द मोस्ट फेवरेट ऑफ माइन, विच इज ब्लश, राइट. इट्स अ ब्लश. मैं आपको ब्लश दिखाती हूँ जो मैं यूज करती हूँ. तो फर्स्ट इज ये है जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद था शुरुआत. अच्छा हाँ, लेट मी टेल यू समथिंग, मेरी लाइफ का फर्स्ट ब्लश जिसे मैंने यूज करना शुरू किया था, दैट वॉज अगेन मेबेलिन का फिट मी.
बहुत प्यारा शेड है, एक मिनट मुझे आपको दिखाना है, बहुत ही प्यारा शेड है, कैमरा कितना लेगी, हल्का सा पिंकिश टोन का कलर जो होता है, बट गाइस बहुत ही अच्छा ब्लश है ये और बहुत लंबा स्टे करता है, मेरे फेस पे बहुत लंबा स्टे करता है, तो ट्राई करो एक, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्राइस भी दे दूँगी, ठीक है, और शेड भी दे दूँगी ये कौन सा है, सो दैट अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, आप मेरे मिलते जुलते स्किन टोन से हैं, बहुत अच्छा जाएगा डस्की टू फेयर के लिए, दिस इज लिटरली नाइस, ठीक है। एंड द सेकेंड ऑप्शन ऑफकोर्स हर कोई जानता है, नायका का, ये भी नायका के चिकी ब्लश डुओ, इसमें टू शेड्स मिल जाते हैं आपको, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा है कि आप एक तो जो इसको यूज़ कर सकते हैं वो कॉन्टोरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा ब्राउनी साइड पे है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो कॉन्टोरिंग के लिए। एंड अगेन यार दिस इज ब्यूटिफुल कलर, यार ब्यूटिफुल कलर। इसका जो ब्लश आता है वो एक हल्का सा शाइनिंग के साथ भी आता है, तो क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाईलाइटर पर्सन नहीं है तो आप डायरेक्टली अगर इसको भी यूज़ करते हैं, हर किसी की आदत होती है वो थोड़ा सा यूज़ करना पसंद करता है, बट आई सजेस्ट यू कि आप लोग यहाँ से यूज़ करें ऊपर तक, बहुत ही प्यारा ग्लो आता है एंड हाईलाइटर का काम भी करता है, अगेन आई एम टेलिंग यू, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो आई थिंक 500 to 600 के इन बिटवीन, अगेन आई गिव यू ऑल डिटेल अबाउट इट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। सो हम ब्लश भी हमारा ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज़ हाईलाइटर, जिसके बिना लड़कियाँ अधूरी हैं, या अगर कुछ भी जाए कहीं जाए और थोड़ा सा गालों पे चमक ना हो तो लड़कियाँ अधूरी लगती हैं, राइट। तो उसके लिए एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि हम हैप्पी हो या जो भी हो, वो लिटरली जो ग्लो होता है वो हमारे चेहरे पे दिखता है, तो दैट इज़ ऑल्सो मिसिंग सम हाउ विदाउट हाईलाइटर। सो मैं आपको दिखाती हूँ ऑप्शन, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन तो ये है, अगेन मेबेलिन का मास्टर प्रो, बहुत अच्छा हाईलाइटर है, बहुत ही अच्छा। आई थिंक मेरा शेड गलत ले रहा है ये, मैं भी आपको एक बार दिखाती भी हूँ कि कौन सा शेड है, ये थोड़ा सा इसमें रोजी सा ले रहा है, बट दिस इज नॉट रोजी, ठीक है। इट्स अ मेटेलिक हाईलाइटर इल्यूमिनेटर, ओके। सो बेसिकली आप इसे यूज़ कर सकते हो, इसका शेड दिखा देती हूँ आपको, बहुत अच्छा शेड है यार, सो हियर द शेड इज, अभी मेरा कैमरा उतने अच्छे से ले नहीं रहा है, बेसिकली दिस इज द शेड, राइट। तो ये भी बहुत अच्छा स्टे करता है, प्लस आप अगर आप बहुत ज़्यादा हाईलाइटर पसंद नहीं करते हो तो भी इस शेड मिल जाएंगे आपको, काफ़ी सारे कलर्स में अवेलेबल हैं, तो भी अगर आप थोड़ा भी इसको यूटिलाइज करते हो ना, हल्का हल्का भी यहाँ पर थोड़ा भी अप्लाई करते हो, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ अप्लाई करके, वैसे इसका शेड मैंने अभी यूज नहीं किया हुआ ये वाला, इट्स टू मच, लेट मी सेटल इट, लुक नाउ, तो यही बता रही हूँ इसमें कि जो इसमें आपका ग्लो आता है ना, वो एक बहुत ही निखरता हुआ सा आता है, ठीक है। तो आप इसे ले सकते हैं और बहुत बढ़िया है ये, जस्ट गिव इट अ ट्राई, ओके। प्राइस भी रिजनेबल है, अगेन आई गिव इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हाईलाइटेड इज ऑल्सो डन। उसके बाद में आता है सेटिंग स्प्रे, यूजुअली वो मैं क्या करती हूँ कि मैं सेटिंग स्प्रे कभी खरीदती नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट मच सेटिंग स्प्रे गर्ल, तो बेसिकली दैट आई यूज टू डू DIY। मैं क्या करती हूँ उसमें थोड़ा सा, मैं आपको एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जो जेल होता है पतंजलि का वो लेकर के, प्लस थोड़ा सा ग्लिसरिन एंड विटामिन ई की कैप्सूल्स और सी की कैप्सूल्स भी मैं डाल देती हूँ इसमें, एंड आई यूज मिनरल वाटर विद दैट, आई जस्ट शेक इट एंड अप्लाई इट, इट गिव यू नेचुरल फिनिश एज वेल एज अ शाइन, तो आप उसे एक ट्राई कर सकते, बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको, क्योंकि आप इन्वेस्ट करते हो, ऑफ कोर्स लेते हो एक सेटिंग स्प्रे, अगर आप अच्छी क्वालिटी का लो दैट इज़ अप टू द 1000, राइट। बट यकीन करो आप एक बार इसको बना के अपने घर पे इस्तेमाल करके देखो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, एंड दैट इज़ माई गारंटी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी टाइप की सेटिंग स्प्रे खरीदने की, या सो ये भी हो गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा जो मेन होता है हमारा आता है
आईब्राउ. जी हाँ, आईब्राउ मैंने जस्ट अभी से यूज़ करना शुरू किया है, अदरवाइज मैं पहले नहीं करती थी आईब्रोज बहुत ज़्यादा, बट आई जस्ट स्टार्टेड येट. तो मैं आपको बताती हूँ, इट्स नॉट टू मच कॉस्टली और एनीथिंग लाइक दिस. बहुत सिंपल सा दिखाऊंगी, ठीक है, जो मैं अभी यूज़ करती हूँ, और कभी फ्यूचर में डेफिनेटली मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उससे भी करना सीखूँ, क्या कहते हैं उसे, मेकअप ब्रश से, आई मेकअप ब्रश से. तो मैं उसके लिए भी सीख रही हूँ, एंड मे बी देखिए उस टाइम मेरा परफेक्ट हो जाए शायद. ठीक है, तो बेसिकली दैट वॉज माई फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, विच इज़ पी एन कलर करके कुछ ब्रांड है, मुझे नहीं पता, ये मैंने तो लोकल स्टोर से ही लिया था, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था, 60 or 70 rupees का था, ठीक है. तो मैंने इसमें 2 shades लिए थे, बट गाइज बिलीव मी, मुझे इसके अलावा कभी कुछ ज़रूरत पड़ी नहीं है अब तक. अभी ख़त्म होने वाला है, मैंने इसे काफ़ी लंबा लिया था और अभी ख़त्म होने वाला है, ठीक है. बट आप प्लीज़, अगर आप भी आईब्रोज बनाना अभी न्यू सीख रहे हो तो ज़रूरी है ये, स्टार्टिंग ऐसी चीज़ों से करो. ओके, एंड इसमें ये जो दे रखा है पूरी, वो बहुत ही बेटर है, वो बहुत अच्छे से सेट कर देता है इस कॉम के थ्रू, तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो. सेकेंड जो मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर किया था, डेट इज़ NYB का अगेन. मैं आपको बताती हूँ, आपने देखे होंगे मेरे इस ब्लॉग में कि बहुत सारा जो प्रोडक्ट है वो NYB से रिलेटेड है. अभी मैंने इसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर रखी हैं, विच आई हैव, ठीक है. तो बेसिकली मैं उस पर फुल एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी इनको यूटिलाइज़ करके. लेकिन ये जो है ना, ये मैंने अभी 1 week हो गए हैं मुझे इसको इस्तेमाल करते करते, एंड ये गाइस बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप इसे भी ट्राई करें. और ये भी ज़रा महंगा नहीं था, अगेन वही 60 to 70 के बिटवीन होगा, तो ये भी अच्छा है. एंड आई एम इन द शेड ऑफ ब्लैक एंड डीप ब्राउन. ओके, तो ये दोनों शेड बहुत बड़े हैं आईब्रोज के लिए. उसके अलावा आई किट के लिए मैंने आपको बताया वेट एंड वाइल्ड का पैलेट आई यूजफुली यूज, ठीक है, क्योंकि मुझे आई लुक पर उतना कुछ करना नहीं आता है सच. जो ब्राउन वाला शेड जो मैंने आपको कॉन्टोरिंग के लिए दिखाया था, उससे मैं अपना क्रीज बनाती हूँ. एंड अदर देन दैट आई जस्ट यूज अ लिटिल बिट हाइलाइटर ऑन माय आईलिड्स, दैट्स ऑल आई एम गुड टू गो. एनीवे, नेक्स्ट इज मस्कारा. या मस्कारा माय फेवरेट, और जब तक मैं मस्कारा नहीं लगाती मुझे बहुत अधूरापन फील होता है. फर्स्ट इज मेबेलिन द कॉलोसल, एंड द सेकेंड इज आइकॉनिक. These both are awesome and मैं कंपेयर ही नहीं कर सकती, ये दोनों ही मेरे फेवरेट हैं. ये दोनों मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं. कभी कभार मुझे ये चाहिए होता है, और समटाइम मैं क्या करती हूँ, मैं इसको लगा करके ऊपर से इसका कोड अप्लाई करती हूँ, बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है. तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, तो ये ऑप्शन ले सकते हो आप मस्कारे के लिए. तो फाइनल है, दैट इज़ लिपस्टिक. लिपस्टिक में जो मेरा शौक है वो न्यूड कलर का ज़्यादा है. लाइक आई यूजली लाइक न्यूड कलर्स. ओके, क्योंकि बींग अ डस्की गर्ल मैं ज़्यादा हाई काफ़ी डीप रेड और डीप कुछ लगा लेती हूँ, तो मुझे लग रहा होता है कि ऑड लग रहा होता है, मैं कंफर्टेबल नहीं फील करती हूँ, तो वो थोड़ा सा मेरे साथ माइनस पॉइंट है जो नहीं होना चाहिए. क्योंकि वंस और ट्वाइस आई अप्लाई तो मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले थे मेरे खुद की कलीग से कि नहीं जा रहा है शेड एंड ऑल. तब से फिर फाइनली मैंने 1-2 shades ऑर्डर करने शुरू किए, अदरवाइज मैं आई एम न्यूड पर्सन, आई लाइक न्यूड लिपस्टिक. सो लेट मी क्विकली शो यू, आई हैव ऑप्शंस, 3 to 4 options जो बहुत ही पसंद है मुझे, मैं इसलिए दिखा रही हूँ, वरना आई हैव लॉट ऑफ लिपस्टिक्स. या दिस, तो ये जो लिपस्टिक्स हैं, ये दो तो मैंने अभी रिसेंटली अगेन यूज करना शुरू किया है NYB का, ठीक है. तो ये है आपका शेड 12, बहुत खूबसूरत शेड है. आई डोंट नो इफ इट इज पिकिंग और नॉट. हाँ, तो ये बहुत ही प्यारा लिपस्टिक है, NYB का 12 शेड है ये, तो आप इसे यूज़ करो, एंड बहुत बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है, तो आप इसे आराम से यूटिलाइज कर सकते हो. फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन इज दिस, अगेन मिलता जुलता है बट थोड़ा सा लाइटर है उससे, तो ब्राउनिश टोन में है हल्का सा ये, और ये थोड़ा सा आपका रेडिश और पिंकिश टाइप का है, तो ये ब्राउनिश में है. तो आप अगर ब्राउन लिपस्टिक ज़्यादा पसंद करते हो तो आपको ये शेड ऑर्डर करना चाहिए, विच इज इन द शेड ऑफ 1. या इट्स 1. गाइस, अजान हो रही है, तो या
सो थर्ड लिपस्टिक जो मैं लिटरली यूज़ करने लग गई हूँ आजकल बहुत ही ज़्यादा, मैंने इसको कभी सुना नहीं है, या सॉरी ब्लू हेवन का नॉन ट्रांसफर है ये, और इन द शेड ऑफ 8, बहुत खूबसूरत है यार ये, बहुत ज़्यादा ग्रेट, लाइक व्हेन्स एवर आई अप्लाई दिस आई फील सो कम्फर्टेबल, सो मच कम्फर्टेबल गाइस, और ये मेरे ऊपर बहुत प्यारा शेड जाता है। प्लीज़ प्लीज़ अगर आप लोग डस्की टू मीडियम टू फेयर टोन में है ना, गिव इट अ ट्राई, मैं तो बोलती हूँ सिमिलर शेड लीजिए, आई मीन एग्जैक्ट यही शेड लीजिए, एंड आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने क्या शेड लिया है। अगर आपने अप्लाई कभी नहीं किया है डार्क कलर तो भी इसको ट्राई दो, बहुत बढ़िया शेड है यार ये, ठीक है। एंड माई वन ऑफ द फेवरेट शुगर का है ये लिपस्टिक इन द शेड ऑफ 16, ठीक है, तो ये भी बहुत ही प्यारा शेड है। इन सब के जो प्राइस डिटेल्स हैं और मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये लिपस्टिक है विच आई एम वेयरिंग राइट नाउ, तो ये बहुत प्यारा शेड है, एंड आप लोग इसे भी इस शेड में तो फेयर स्किन पे तो हर टोन जाता ही है, बट अगेन डस्की टू मीडियम के टोन के हो लोग तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। तो या तो नाउ बारी आती है, ये तो हो गया हमारा सारा का सारा कि मेकअप प्रोडक्ट्स, राइट, बहुत प्यारा शेड जाता है। प्लीज प्लीज अगर आप लोग डस्की टू मीडियम टू फेयर टोन में है ना, गिव इट अ ट्राई, मैं तो बोलती हूँ सिमिलर शेड लीजिए, आई मीन एग्जैक्ट यही शेड लीजिए, एंड आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने क्या शेड लिया है। अगर आपने अप्लाई कभी नहीं किया डार्क कलर तो भी इसको ट्राई करो, बहुत बढ़िया शेड है यार ये, ठीक है। एंड माई वन ऑफ द फेवरेट शुगर का है ये लिपस्टिक इन द शेड ऑफ 16, ठीक है, तो ये भी बहुत ही प्यारा शेड है। इन सब के जो प्राइस डिटेल्स हैं और मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये लिपस्टिक है विच आई एम वेयरिंग राइट नाउ, तो ये बहुत प्यारा शेड है, एंड आप लोग इसे भी इस शेड में तो फेयर स्किन पे तो हर टोन जाता ही है, बट अगेन डस्की टू मीडियम के टोन के हो लोग तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। एंड या कभी कभार टचअप के लिए और हमेशा टाइम टू टाइम सेट करने के लिए अगर होता है, कभी आप जा रहे हो बाहर और आपको भी चीज़ें सेट करने की आदत है कुछ, तो ये लैक्मे का सन एक्सपर्ट 40 SPF के साथ बहुत बेटर ऑप्शन है। अगेन इसका प्राइस 220 है, और अगेन आपको ये ऑफर मिल जाएगा नायका पे, तो आप इसको ले सकते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। बाकी तो हर किसी का एक स्किन पे भी डिपेंड करता है कि किसी स्किन की क्वालिटी कैसी है, तो कोई कोई होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयली है, कोई बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो थोड़ा सा हमें उस चीज़ को पहले प्रायोरिटी पे रख के अगर आप कुछ भी ऑप्शन चूज कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले उस ऑप्शन को एकदम ढंग से देखिए, एंड देन ओनली यू गो फॉर दैट। एंड या मैंने आपको अभी बताया था कि मैंने बेसिकली कुछ डार्क शेड्स यूज करने शुरू किए, तो दिस इज माई फर्स्ट ऑप्शन विच इज मिस क्लेयर का सॉफ्ट मैट लिप क्रीम इन द शेड ऑफ 10। गाइस बहुत सुंदर कलर है ये, मैं जल्दी एक पार्टी वेयर लुक क्रिएट करूंगी, प्लीज कमेंट बिलो मुझे करना चाहिए या नहीं, तो मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको इसको शेड दिखा। That's a last option for lipstick which you can use. And yeah, after dissolve makeup, what you need is makeup remover, right? जो आप कभी भी अगर आते हो कहीं से भी तो without makeup remove करें। I'll suggest you कि आप ना सोएं या फिर एक दो मिनट का टाइम होता है, राइट, उसके लिए आप एक कॉटन पैड ले लीजिए और मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बेसिकली गाइज एक तो ये ऑप्शन है आपके पास गार्नियर का, जो कि बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है और आई थिंक हर गर्ल के पास ही होगा, जिनके पास नहीं है तो प्लीज़ गो एंड ग्रैब इट, दिस इज ऑसम ऑसम। ये आप लो एक और एक बार ले रहे हैं तो आराम से 2-3 मंथ्स वो वर्क करता जाएगा, तो आई थिंक आपको एक ये यूज़ करना चाहिए, ये बहुत अच्छा है और हमारे स्किन को भी बहुत बेटर लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इससे। मैंने अब तक इसके कोई भी साइड इफेक्ट यूज़ नहीं किए, इट्स बिन 2-3 ईयर्स दैट आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड बाई दिस, तो आप एक बार ये यूज़ कर सकते हो। ऑल्सो मैं मेंसो गई थी तो वहाँ पर मुझे इस टाइप का कुछ मेकअप रिमूवर टॉवल मिला था, बहुत बेस्ट ऑप्शन है, इसे आप हल्का सा वेट करो और देन आप इसे क्लीन करो तो छूटता है आपका मेकअप, पूरा क्लीन हो जाता है,
और देन इससे आप ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़ करो और थ्रो करो, आप इसे अगेन वॉश कर लो एंड दोबारा आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो। सो या ये इसका प्राइसिंग आई थिंक 250 के का मुझे 4 to 5 स्टार मिला था, तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप ये ले सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। Yeah, so that's it guys, and I hope you like this video, and if you did then please like, share and subscribe to my channel, which is Shiana's Lifestyle. Also as I already told you ki agar aapko kuch bhi lag raha hai ki mujhe aap logo ko janna hai to please mujhe comment kariye, main definitely uspe videos banaungi. एंड या अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी मैं गड़बड़ कर रही हूँ तो वो भी बताइए, सो दैट आई कैन इम्प्रूव इट, बिकॉज ऑडियंस के वगैरह मधुरे होते हैं और जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी. तो थैंक यू सो मच गाइज, एंड अगेन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे स्टाइलिश, टेक केयर, बाय बाय.